अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यम्मी मम्मी सिंपल कुकिंग। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल और हेल्थी सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसका नाम है जैकेट पोटैटोस। तो चले आएं जल्दी से, टाइम वेस्ट किए बगैर इसको शुरू करते हैं। जी तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। आज की जो रेसिपी है वो जैसे आपको पता है कि जैकेट पोटैटो है, तो मैंने इसके लिए चार पोटैटोस ले लिए हैं जो कि बेकिंग वाले हैं। इसके अलावा हमें चाहिए सोल्ट, और मैंने ये लिया है ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन भी ले सकते हैं, नॉर्मल वाला भी ले सकते हैं। एक मैंने नाइफ ली है जिसके ये शार्प एजेस हैं, और अब हम इसके अंदर थोड़े से इस तरह से पोक कर लेंगे पोटैटोस को। इनको हम माइक्रोवेव में पकाएंगे, बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही हेल्थी किस्म की ये डिश है। दोबारा से लंच के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ लंच आप इसको यूज कर सकते हैं, टी टाइम में आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अगेन कन्वीनियंट से हैं, ये जल्दी बन जाने वाली डिश है। तो इसी तरह मैं सारे आलूओं को इस तरह से पोक कर लूंगी। अच्छा जी, आलू पोक हो चुके हैं, अब हम इनको करेंगे मसाज, और वो होगा सोल्ट का और जो मैंने आपको ऑलिव ऑयल बताया था उसका। उसकी रीजन ये है कि ये बहुत अच्छे तरीके से क्रिस्पी इसकी जो स्किन है वो हो जाएगी। बस आप पहले ओलिव ऑयल के साथ इसको अच्छा सा बाहर से सारों को मल लें, सॉफ्ट होंगे और ऊपर से भी बहुत नाइस इनका टेस्ट आएगा, स्किन जो है इसकी वो क्रिस्पी हो जाएगी। आलू के ऊपर हम ये नमक है इसको भी सारे आलू। तो चलें जी, आलू जो हैं वो अब रेडी हैं, इनको मैं रख रही हूँ माइक्रोवेव में। हम इनको माइक्रोवेव में पकाएंगे। पहले हम इनको 10 मिनट के लिए पकाएंगे एक साइड से, और दूसरी साइड से 5 और 10 अगेन, और हम इसमें फोक या नाइफ डाल के चेक कर लेंगे कि ये बिल्कुल पक चुके हैं अंदर से, इसकी स्किन बाहर से क्रिस्पी सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है कि ये पक चुके हैं। तो चलें मैं इसको रखती हूँ माइक्रोवेव में। देखिए, मैंने आपको दिखाना था कि 10 मिनट के बाद ये देखें कितनी आराम से इसमें नाइफ जा रही है। इसी तरह मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी, और अगेन इसको 10 मिनट के लिए दोबारा कुक करूंगी माइक्रोवेव के अंदर, फुल जो इसकी हीट है उसके ऊपर, फुल पावर पे। और अगर 10 मिनट के बाद मुझे लगा कि हल्का सा इसको थोड़े से और मिनट चाहिए, तो मैं और इसको थोड़ा सा शायद 5-6 मिनट के लिए दोबारा रखूँ। तो मिलते हैं जब ये फुली कुक्ड हो जाएंगे। अच्छा, ये देखें जी, 25 मिनट तक मैंने इनको ओवन के माइक्रोवेव में पकाया है, और ये देखिए इसकी स्किन कितनी ज़बरदस्त हो गई है। अगर आप नाइफ इसके अंदर डालें तो ये अंदर तक जाती है। तो ये फुली कुक्ड हैं, क्रिस्पी हो चुकी है इसकी स्किन ऊपर से। एक मैं आपको काट के दिखाती हूँ अंदर तक, ये देखें ज़बरदस्त। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। जैकेट पोटैटो को मैंने आपके सामने सर्व कर दिया है। इसको मैंने सर्व किया है बीन्स के साथ, चीज़ है और कोल्सलो है। जब आप इसको बीच में से कट करें तो आप इसके ऊपर मार्जरीन भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा सोल्ट ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी इसके ऊपर ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं, और आप इसके ऊपर चीज़, और ये ऑप्शनल है चीज़ें। अगर आपको कोई और फिलिंग पसंद है तो आप कोई और भी डाल के खा सकते हैं। इसको इंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। होप है, आप उम्मीद है आपको मुझे आज की मेरी छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और थम्स अप करना मत भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्दी छोटी सी और हेल्थी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।